आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू लच्छा नमकीन। फास्टिंग के टाइम पे अगर आप मीठा नहीं खाना चाहते हैं तो आप इस नमकीन को बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बाजार से कई गुना बेहतर। मैंने यहाँ पे 4 आलू ले लिए हैं और इसे हमें अच्छे से छील लेना है। लच्छे बनाने के लिए आप व्हाइट आलू का इस्तेमाल करें, लाल आलू का इस्तेमाल नहीं करें। तो ये यहाँ पे मैंने आलूओं को अच्छे से छील लिया है और यहाँ पे एक कद्दूकस ले लेंगे और आलूओं को हमें कद्दूकस करना है। ये जो सबसे बड़े वाला साइड है इससे ग्रेट करना है आलूओं को और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये लच्छे बन रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे आलूओं को कद्दूकस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 3 आलू को कद्दूकस किया है तो बस ये काफी है, इसलिए एक आलू मैं रहने दे रही हूँ। तो यहाँ एक बाउल में हम पानी ले लेंगे और लच्छों को हमें पानी में डालना है। और यहाँ एक दूसरे भगोने में भी मैंने पानी ले लिया है तो बस इसका स्टार्च हमें अच्छे से निकालना है। तो इसे रब करते हुए अच्छे से हम वॉश कर लेंगे और इसे हमें 3 से 4 बार करना है जब तक कि पानी सब बिल्कुल व्हाइट ना आपको दिखने लगे। तो 4 बार मैंने इस प्रोसेस को किया है और अब आप देख सकते हैं कि लच्छों में पानी बिल्कुल वाइट सा साफ दिख रहा है आपको। बस यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा बिछा लेना है इस तरीके से और लच्छों को इसमें हमें फैला देना है। पानी इसका अच्छे से हम निचोड़ लेंगे हाथों से दबा करके और इसे हम इस तरीके से फैला देंगे और 5 से 7 मिनट तक के लिए आप इसे फैन के नीचे रख दें या फिर आप कपड़े से इस तरीके से दबा के इसे अच्छे से पोंछ दें जिससे कि इसका पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आलू में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है तो बस इतना ही हमें इसे सुखाना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। यहाँ पे हमारे तेल गर्म हो गए हैं तो बस इसे भी हमें फ्राई कर लेना है और बीच बीच में इसे हम चला लेंगे। फ्लेम को आप लो टू मीडियम पे ही रखें ताकि ये अच्छा सा क्रिस्पी हो पाए। बहुत ज़्यादा आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा कलर इसका डार्क हो जाएगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये हमारे आलू लच्छे तैयार हो गए हैं तो बस इसे हम तेल से निकाल लेते हैं। और बाकी के बैच को भी इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। तो बस इसे बीच बीच में चलाते रहना है जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए, तब तक इसे हमें पकाना है। और ये हमारा तैयार हो गया लच्छे तो बस इसे भी हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज की प्लेट ली है ताकि इसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो पाए। तो इसे इस तरीके से निकालते जाएंगे और बाकी की चीज़ों को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये यहाँ पे 1/2 कप मैंने मूंगफली ले ली है, मूंगफली बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में इसके साथ, तो इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। बस ये हमारी मूंगफली भी फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे और यहीं पे हम डालेंगे थोड़े से काजू। काजू भी बहुत ही अच्छे लगते हैं इनके साथ तो काजू को भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रख के सारी चीज़ों को फ्राई करना है। तो ये हमारे काजू भी फ्राई हो गए हैं, यहीं पे लिए थोड़े से मैंने बादाम तो बादाम को भी फ्राई कर लेंगे। तो बस ये हमारे बादाम भी फ्राई हो गए, यहीं पर मैंने लिए कुछ कड़ी लीव्स। कड़ी लीव्स टेस्ट में तो अच्छा लगता ही है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें इसे भी आप ग्रीन रहने दें, बहुत ज़्यादा डार्क ना करें। यहीं पे लेंगे हम थोड़े से मखाने, मखाने को भी फ्राई कर लेंगे। और अब बारी आती है कि हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। तो यहाँ पे मैंने मखाने लिए, काजू लिए और यहीं पे मैंने ले लिए हैं बादाम और यहीं पे कड़ी लीव्स को भी ऐड कर देंगे और बस यहीं पे मैंने मूंगफली को भी ऐड कर दिया इसमें। और अब बारी आती है मसालों की, तो मसालों में मैं यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ले रही हूँ और 1 टीस्पून यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे, सेंधा नमक जो कि हम व्रत में खाते हैं। अगर आप व्रत के दिनों में चाट मसाला खाते हैं तो आप इसे ऐड कर सकते हैं चाट मसाले को। तो बस यहाँ पे हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी क्रिस्पी से आलू लच्छे नमकीन बन के तैयार हैं। देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना है।